आज जबलपुर जिले के मुख्य स्टेशन पर रेलवे प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां एक व्यक्ति इलाज के लिए घंटों स्ट्रेचर पर पड़ा रहा लेकिन उसे इलाज नहीं मिला। दरअसल मामला यह है कि लोकमान तिलक एक्सप्रेस से इस व्यक्ति की तबीयत खराब होने के चलते उसे उतारा गया था लेकिन उसे अस्पताल नहीं पहुँचाया गया, तो वहीं वह स्ट्रेचर पर तड़पता रहा। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बताया कि एम्बुलेंस को बुलाया गया है लेकिन काफी समय हो गया है, वह एम्बुलेंस नहीं आई है। वहीं तड़पते हुए मरीज को देखने में यह समझ में आ रहा था कि जैसे उसे फिट के दौरे आ रहे हों। तो वहीं चाक चौबंद व्यवस्था दावा ठोकने वाला रेलवे प्रबंधन यात्रियों को कितनी सुविधाएं देने में सक्षम है, यह नजारा देखकर ही लगाया जा सकता है। 0141 से इसको तारा का कोच नंबर S1 और जो तड़प रहा था, रेलवे डायरेक्टर मैडम आई, उस चेक किए और कुछ नहीं, हमको उसका मुलाजा सर्टिफिकेट दिया कि कहाँ इसको भर्ती करना है, क्या करना है, और तब से हम बैठे। अभी एम्बुलेंस नहीं आई। कौन है ये मरीज, कहाँ से? मरीज अज्ञात है, उसका पता कर रहा है, उसका मोबाइल है तो मोबाइल में बंद है, पता करते हैं उसका कहाँ का है, ये कहाँ से आए हैं। यहाँ पर उसको फिटकरी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, उस चक्कर है, उसको फिटकरी आ रहा है, हाथ पैर फड़फड़ा रहा है उसके। बड़े अधिकारियों को आपके इसमें सूचना दी? हाँ, कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी रेलवे, तो हमने ट्रेन को अटेंड किया और जाके प्लेटफॉर्म 4 पे आई, LTT लोग कहाँ से 2141 लोकमान से पटना जाती है, उसे उतारा है। अब उसको अस्पताल ले जाना है, जल्दी जल्दी भर्ती करा दे, लेकिन अभी एम्बुलेंस नहीं आई। इंतजार 1.5 घंटा हो गया, 1.5 बजे के आए, इंतजार कर रहे हैं। नाम बताओ।